काफी ज्यादा कफ हो रही है। तेल भरने का मतलब क्या होता है? पूरा से देते हैं कि ज्यादा बोले। आपके लिए खिलाओ। आगे चल चुका गया। तैयार है क्या बनी? देखे नहाया है तुम आज? देखे सुंदर लग रहा है। मम्मी सकरात हम लोग यहाँ कब है? 15 को है। सब जगह 14 ही हो रहा है। उधर हो गया, अपना उल्टा खाया हो रहा है हम लोग के यहाँ। खाली अपना ही यहाँ हो रहा है कि सब जगह? मतलब केस लग लग केस वाले पैर नाखून। तुम भी रंगवा लो। शिवांश का भी पैर नहीं। खुश रहो। चूड़ा खा लिए? आज ना है। हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रुद्र पूजा टॉक्स, और आज है मकर संक्रांति। हमारे यहाँ 15 को मकर संक्रांति हुआ है। वैसे बहुत जगह 14 को भी हुआ है ना, बहुत ज्यादा जगह भी 14 को हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ 15 को है। और मॉर्निंग का टाइम है। शिवांश खाना खा चुका है, रेडी भी हो चुका है, और ये अभी बनी के साथ खेलना है। बनी के साथ खेलना है इसे। मैं अभी बनी के पीछे पीछे दौड़ा रही थी साइकिल से, और बनी आगे आगे भाग रहा था, तो इसे मजा आ रहा था। खराब है, सर्दी है, जुकाम है, और उल्टी आ रही है। ठीक है, सर्दी हो गई है काफी ज्यादा, कफ हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हे फैमिली, तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आज तबीयत सही नहीं है, और ये 2 दिन से हो रहा है, और पता नहीं मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रही है ऑलवेज, और शायद मैं थोड़ा केयरलेस हो रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये थोड़ी सी भी केयरलेस होते हैं ना, या बारिश, उस दिन बारिश हो रही थी तो ये थोड़ी सी बाहर चले गए थे, इस वजह से इनको हो गया था। एंड अभी ये आप देख सकते हो, मैंने भिक्स डाला है, भिक्स है एंड गर्म पानी है, वही भाप लिया है, तो थोड़ा सा वेल फील कर रहा हूँ। बुखार नहीं है, मैं थर्मामीटर चेक किया, बुखार नहीं है, और सिर्फ सर भारी है, जुकाम है, सर्दी है। हमारे यहाँ तिलकट भराया जाता है, नहा धोवा के दही चूड़ा भी खाया जाता है, दही चूड़ा, चीनी, भुटरा, मिठा। और पता है आपको, शिवांश के लिए ना स्पेशल पूजा के यहाँ से, एंड पूजा के यहाँ से सनेश भी आया था, वो आपको हम दिखाएंगे। शिवांश के लिए ना स्पेशल मम्मी ने लाई, इतना बड़ा बना के भेजा, एक लाई इतना बड़ा। डांस कर रही है। हम लेके चलते हैं नीचे, और अभी मम्मी जी पूजा कर रही हैं, दिखाते हैं पूजा वगैरह, और नीचे जाती हैं। अभी रेडी हो चुकी हैं बजी माँ, सभी लोग रेडी है। पूजा क्रिकेट इसके बाद भरा जाता है? हाँ, पूजा पड़ती है। वैसे नॉर्मल पूजा होता है कि और कुछ होता है? बस ऐसा ही पूजा बनाने की तैयारी हो रही है। और देख सकते हैं पेपर से पतंग बनाया जा रहा है, पतंग बनाया जा रहा है। और भैया बचपन में पतंग बहुत उड़ाते थे। वैसे तो तबीयत खराब था, तो डिसाइड ये था कि आज नहाएंगे नहीं, क्योंकि सर्दी जुकाम है, तो सभी लोग मना कर रहे थे। बट आज हमारे यहाँ खरमास उतरा है और पूजा पाठ भी है, तो नहाना जरूरी है। फट गया मम्मी, देखे ना, आज मम्मी बोली ना, नहीं आज मम्मी बोली ना कि हम चाय नहीं पियेंगे, पापा जी बोले कि हमको चाय पीना, इसलिए फट गया। रख दीजिए, बैंगन भी छूना है। हाँ, तो फिर से हम टच करते हैं दाल को, चावल को, नमक को, तिल को, आलू को एंड बैंगन को, सभी को टच कर लेते हैं। एंड अभी मम्मी जी तिलकट, मम्मी जी तिलकट खाने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने माता पिता जो भी परिवार सेवा करोगे या नहीं करोगे, वृद्धा हो जाएंगे तो अभी नहीं। अभी मेरी मम्मी वृद्धा नहीं है, मेरी जवानी है, अभी की बात नहीं, मम्मी मेरी बूढ़ी हो जाएगी तो बात हो रहा है। चलो अब तुम्हारी बारी है,
तो अब आ रही है पूजा की, बेटी नहीं पढ़ती है, पढ़ती है समझे। बोलो हाँ मम्मी। चलो खा जाओ। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तिल धो दिए, चावल धो दिए हैं, क्या बात है ना, खाने का मन कर रहा ना, भरने का मन कर रहा है, ठीक है। हे धोना माल पूरा चाटे खाओ, छोड़ा नहीं है, मैं ना पूरा 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 साफ कर रहा है उसको, तिलकर थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, बच जाएगा तो फिर नहीं भरोगे तुम, विश्वास नहीं। तो अब बारी है शुभम की, गोलू की, चलिए पूछिए। तिलकट भरेगा तो बोला हो नहीं, बोला मम्मी हो नहीं, हो तो तिलकट भरेगा। सबसे पहले हम जा रहे हैं, गैया को खाना खिलाते हैं एंड इसके बाद आता हूँ। तो फैमिली हम आ चुके हैं गैया माता को खिलाने एंड खिलाते हैं। और गैया माता को खाना खिला रहे थे, अभी हमने खिला दिया है तो अभी चलते हैं ऊपर, हम भी कुछ खाएंगे, हमें भूख लगा है, और चलते हैं। और तबीयत भी सही नहीं है, आवाज आपको अजीब सा आ रहा होगा भारी सा। तो बारी है सिवान का टिकट भरने का। क्या मम्मी? और बुआ का बर्थडे भी आ रहा है ना, कई दिन बचा? 14-15, 7 दिन तो बचा। चौथा चार बेटा हो गया, भर लिया भर लिया भर लिया। तिलकट भरेगा ना, तुम तो पूछो ना, क्या मुँह में दे दो, जबरदस्ती मुझे भरवाए उससे। चलो भरो, ना भरा है मम्मी आपका, तिलकट भरेगा है। अच्छा अच्छा, हे फैमिली, तो मैंने तो खाना खा लिया, अब आ रही है पूजा की। तो यहाँ पे निकल चुका है पूरा का, ये तुम्हारा है पूजा, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लाई है। मम्मी ने शिवांश के लिए बना के भेजा है स्पेशल, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाई, इतना सारा, ये शिवांश के लिए, नॉट मेरे, ये तुमसे बड़ा लग रहा है ना तुम्हारे के लिए। और ये दही चूड़ा भी, चूड़ा है तो अब इसको बिग करवाएंगे, मतलब ये तो इतना दही नहीं खाएगा, बाकी तो बाद में हम सभी खाने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बिग करवाएंगे। कैसा लग रहा बेटा शिवांश, थोड़ा सा लीजिए लीजिए। लाई स्पेशली सर, लाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उठा बेटा, फुटबॉल फुटबॉल खेल भी सकता है, खा भी सकता है, उठा खा लीजिए खा लीजिए। मम्मी ये खाना निकल चुका है, मम्मी ऐसे नहीं लिए तिलकुट, लाई नहीं लिए, चम्मच से खाइएगा मम्मी, सही में चम्मच से खाने में संतोष नहीं होता है मम्मी, जब तक हाथ नहीं लगाइएगा ना, हाथ लगाने वाले हैं क्या? तो मम्मी ने चम्मच रख दिया है और हाथ लगा के खाने वाली है। हमारे घर के सबसे बड़े खनहर मतलब खाने वाले की, पूजा जी की, तो अभी निकलने वाली है पूजा की खाना। और पूजा देख सकते हैं पूरा दही का बाल्टी ही निकाल चुकी है, एंड ये वाला बाल्टी ही नहीं निकाला है, ये सुधा वाला है। हाँ, कमेंट करके आप हमें ये बताना कि आपके यहाँ मकर संक्रांति कब हुआ है, 14 को या 15 को? हमारे यहाँ तो 15 को हुआ है, एंड ये वीडियो कब जाएगी बताइए, ये वीडियो थोड़ा सा लेट भी आ सकता है, बट कोई नहीं, आप लोग देखना प्यार देना, एंड क्या है चलते हैं छत पे, एंड आज के दिन पतंग भी उड़ाया जाता है, और भैया ने होममेड मतलब खुद से पतंग बनाया है, एंड वो उड़ भी चुका है, मुझे पता भी नहीं था, और भैया इसे उड़ा चुके हैं, तुम दिखाते हैं आपको, एंड वो रही हमारी पतंग, दूर जूम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कैमरा लेके आ चुका हूँ, तो अभी मैं पकड़ा गया है, एंड अभी प्लेट तो पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, एंड अभी खत्म हुआ है, एंड लास्ट बचा हुआ था, उस समय से डायरेक्ट मुंह लगा के खा रही थी, और अभी चम्मच लगा दिया है, देखो यहाँ लगा हुआ, देखो यहाँ पे, तुम डायरेक्ट मुरे खा रही थी ना, तो लग गया।
का बदले के बाबू हम सिंगर मैं निकला बदले के रस्ते पर सड़क पे एक मोर आला। फैमिली तो इस वाले ब्लॉग से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड बाय बाय एवरीवन। कुछ बोला बाय बाय एवरीवन।